बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ शुजा। द वीडियो दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू पीपल दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये वो वीडियो है, मीन्स आई कैन गारंटी यू रियली दिस वीडियो विल बी फ्रूटफुल फॉर यू फॉर योर फ्यूचर। वेन एवर यू आर गोइंग टू अपियर इन एनी सॉर्ट ऑफ टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल दैट इज ईकेट आर एमकेट आर एनी गवर्नमेंट जॉब लाइक इज अदर टेस्ट लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट एज वेल like as JEST and HST and other sort of jobs or lectureship as well. This video will also be fruitful for those students who are also appearing for CSS and PCS and other examinations as well. So now, without taking your time, I'm going to teach you that thing in a simple way, in easiest way. You will understand each and everything about it, inshallah. So let's learn now. Parts of speech, takriban, academies mein yahi padhaya jata hai ki definitions se padhaya jata hai. आज मैं इस तरीके से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा कि इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ में आती जाएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाना जाता है। क्योंकि क्वेश्चंस जो भी टेस्ट में आते हैं वो इस तरीके से नहीं आते कि नाउन किसे कहा जाता है, वर्ब किसे कहा जाता है, एडवर्ब किसे कहा जाता है। दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड, नीदर दोज आर गिवन द टेस्ट नॉर आर दीज आस्क्ड। ना ही ये टेस्ट में आते हैं, ना ही ये कहीं पर पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल ग्रामर के साथ मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझाता हूँ। इसमें कुछ सेंटेंसेस मैं लिखूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे पहचाना जाता है सेंटेंस में कि कौन सा ये पार्ट ऑफ स्पीच है। फॉर एग्जांपल, द व्हील केम ऑफ। अभी यहां पे देखें, द व्हील, द इज आर्टिकल, द क्या होता है, आर्टिकल होता है। इसके अलावा व्हील क्या है, एक नाम है, ठीक है। व्हील क्या है, नाम है, तो नाम को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, नाउन, ठीक है। उसके बाद होता है केम, केम इट्स अ वर्ब, ये वर्ब है। और ऑफ क्या है, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब, एडवर्ब। अब ये सर ने तो ये बता दिया कि ये नाउन है, हमें क्या पता कि हम कैसे पहचाने, क्या तरीके कार है, हमें कैसे पता चल जाए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सर ने तो बता दिया कि ये आर्टिकल है, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। हाउ कैन वी गेट टू नो, हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज लाइक ए सर हैज बीन टीचिंग, हाउ कुड वी गेट टू नो, हमें कैसे पता चलेगा, जैसे सर को पता चल रहा है कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। आज के बाद इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो के बाद आपको हर चीज का पता चल जाएगा, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पता चल जाएगा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउ लेट्स कम, आर्टिकल सिर्फ तीन होते हैं, इनको तो पहचानना बहुत इजी है। क्यों, अ, एन और द, ये आर्टिकल होते हैं। कहीं पे भी कोई भी एमसीक्यूज आ जाए, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, अभी देखें ऑनेस्ट, इनके साथ एन इस्तेमाल हुआ है और एन क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है। आप जो भी टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से आते हैं, कोई भी वर्ड अंडरलाइन होता है और उसके नीचे चार ऑप्शन होते हैं कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है। इनको पहचानने के तीन तरीके होते हैं। जो मैंने तरीका मालूम किया है वो ये है कि ज़्यादातर बच्चों को प्लेस से समझ में आता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच की जगह देखते हैं कि वो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो उससे बच्चों को पता चल जाता है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन डेफिनेशन से कुछ भी समझ में नहीं आता। बच्चे किसी भी टेस्ट में जाते हैं, डेफिनेशन को रट्टा लगा के जाते हैं, कहते हैं कि प्रोनाउन की काइंड कौन सी है, सारे काइंड्स की डेफिनेशन याद होती हैं, लेकिन जब सेंटेंस में आते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल काम नहीं करवाया होता। ये वीडियो जो है प्रैक्टिकल होगी। देखें, आर्टिकल का पता चल गया आपको, अ एंड द, आर्टिकल एंड हो गया। अभी आ जाए नाउन पे, नाउन कोई भी नाम हो, पहले पर्सन का नाम, अली, असद, अहमद, सारे नाम हो गए। इसके अलावा जो भी नाम आ जाए वो सारे क्या बन जाएंगे, आपको पता है ये नाउन है। किसी भी बंदे का नाम आप हजार नाम मान लें, उसके बाद किसी भी चीज़ का नाम, चीज़ों के नाम आप देख लें कि फैन है, चेयर है, बुक है, पेन हो गया, ठीक है। इसके बाद जो भी चीज़ें आ गई एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ों के नाम क्या है, नाउन है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ का नाम आया है सेंटेंस में, जैसे व्हील आया है तो व्हील एक नाम है ना, इसीलिए इसको नाउन कहा जाता है, ठीक है। इस तरह उसके बाद एक प्लेस, जगह का नाम, जैसे स्कूल, मॉस्क, ठीक है। इस तरह
ताजमहल ये जगहों के नाम है, जगहों के नाम जो भी होंगे तो उनको क्या कहा जाता है, वो भी नाउन होगा। आप देखें जुमले में पहले पहले आप देखें क्या ये जगह का नाम है, हाँ जगह का नाम है तो क्या बनेगा, नाउन है। क्या ये किसी चीज़ का नाम है, नहीं है, नाउन नहीं है, अगर है तो नाउन है। उसके बाद आप देखें क्या किसी बंदे का नाम है, ये हाँ बंदे का नाम आ रहा है तो ठीक है नाउन होगा, अगर बंदे का नाम नहीं है तो इसका मतलब है ये नाउन नहीं है, ठीक है ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखें जो नाउन का बहुत अहम चीज़ नाउन में जो अक्सर टेस्ट में आती है, क्योंकि ये तो चीज़ें कॉमन है, हम 2-3 में पढ़ते हैं कि किसी भी बंदे के नाम को नाउन कहा जाता है। अभी कोई एमसीक्यू इस तरह देगा अली इज़ माई टीचर, अली क्या है, सीधी बात है, ये छोटे बच्चे को भी पता होता है, दूसरी क्लास वाले बच्चे को पता होता है कि ये नाउन है। वहाँ पर इस तरीके से एमसीक्यू नहीं आते, जो वहाँ पे एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि मैं अक्सर टेस्ट देखता रहता हूँ, अक्सर मैंने पास पेपर्स भी पढ़े हैं, तो उसमें जो सेंटेंस आए हैं उससे रिलेटेड और वही सेंटेंस और उससे रिलेटेड चीज़ें जो है मैं समझा रहा हूँ। जिस तरह अभी एक नाउन होता है किसी भी क्वालिटी का नाम, जिस तरह आई लाइक हिज विजडम, आई लाइक हिज विजडम। अभी आपसे क्या पूछेंगे कि ये विजडम क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन देंगे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। अब इनमें से ये मुझे बताएं कि विजडम क्या है। तो बच्चे ये देखते हैं विजडम क्या है, हमें सर ने कहा था कि नाउन की डेफिनेशन याद करवाई थी, प्रोनाउन की डेफिनेशन याद करवाई थी, ये क्या क्वेश्चन आ गया, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये विजडम का क्या करना है, फिर आके सर से शिकायत करते हैं। तो अभी मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ कि ऐसे सेंटेंस आते हैं। चले नाउन सर ने बताया था कि किसी भी नाम, अभी बच्चा पहले पहले क्या देखेगा, विजडम, क्या कोई विजडम किसी बंदे का नाम है, नहीं नाउन ये है ही नहीं, बच्चे के जहन में ये नाउन नहीं है, क्योंकि बच्चे को चार चीज़ें जहन में जो बचपन से पता रहे, किसी भी बंदे का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ के नाम को नाम कहा जाता है। अभी ये विजडम भी नाउन है, ये चीज़ ज़रूरी जहन में रखनी है, वो चीज़ जो हर किसी के लिए मुश्किल होती है वो चीज़ वो देते हैं इंग्लिश में। देखें विजडम कैसे नाउन बना, पहले ये समझते हैं एक नाउन का किस्म होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे नाउन जो हम फील करते हैं, महसूस कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाम उनको देख सकते हैं, नाम उनको टच कर सकते हैं। विजडम अकलमंदी, क्या हम अकलमंदी को देख सकते हैं, या मैं ऐसे कहूँ ऐसी कोई चीज़ जिसको आप पकड़ ना सके हाथ में, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अकलमंदी को आप पकड़ के दिखा सकते हो लोगों को, हाँ भाई ये अकलमंदी है ये देखो, नो नेवर कैन इट नॉट, इट कैन नेवर बी पॉसिबल। चलें खुशी को आप पकड़ सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो कि ये खुशी है, नहीं आप सिर्फ महसूस करवा सकते हो लोगों को, ये देखो मैं खुश हो रहा हूँ। उसके बाद मैं इसे बहुत सारे नाउन लिख रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि ये अक्सर टेस्ट में आते हैं मुझे पता, इसीलिए देखें हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नाउन हुआ खुशी। उसके बाद होता है बिलीफ, अकीदा, क्या आप अकीदा दिखा सकते हो लोगों को कि ये मेरा अकीदा है, पकड़ के दिखा सकते हो हाथ में, पकड़ सकते हो, नहीं जो चीज़ हाथ में नहीं पकड़ सकते वो भी नाउन होता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे वर्ड और भी हैं, ब्रेवरी, उसके बाद मूवमेंट, और एक चीज़ और भी दे रहा हूँ, खास करके नाउन में जो होता है शन का वर्ड आता है, मेंट का वर्ड आता है, तो वो नाउन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मूवमेंट, पोजेशन WSION भी आता है, ठीक है, मोशन MOTION मोशन, शन आ जाए MENT आ जाए तो ये भी नाउन होते हैं, या हम ये कहते हैं हुड आ जाए वर्ड HOD हुड, जैसे बॉयहुड, ये नाउन है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, मैंने नाम क्यों नहीं लिखे इसीलिए मुझे पता है कि आपको पता होगा, चीज़ों के नाम नहीं लिखे क्योंकि आपको पता है, जगहों के नाम लिखे क्योंकि आपको पता है। ये चीज़ जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, जो बच्चों को समझ में नहीं आती, आज तक नहीं आती, इवन ग्रेजुएशन क्लासेस के बच्चे आते हैं वो, उनको पता नहीं होता कि ये कौन सा नाउन है, ठीक है। बॉयहुड, मैनहुड, मैनहुड हो गया, ठीक है, वोमेनहुड, इस तरह के जो नाउन हैं इनको क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, ठीक है। आई होप, जिस तरह ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, सिंसेरिटी। अभी यहाँ पे देखें TY आ गया, आप अगर ये वर्ड भी जहन में रखेंगे तो इससे क्या होता है कि आपको हिंट मिल जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ ये वर्ड, मैं एक ऑप्शन दूंगा लास्ट में MCQs का, उसमें 5 सेंटेंस लिखूंगा, उसमें आप देखिएगा कि ये वर्ड नहीं लिखे होंगे लेकिन आप पहचान लोगे कि वो सही है, ये आप पहचान लोगे कि ये नाउन है,
वो एक तरीका है, आप उससे पहचान लोगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें हुड आ गया, उन वर्ज में हुड आएगा तो आपको खुद ब खुद ज़हन में आएगा जब बॉयहुड नाउन है तो मैनहुड भी नाउन होगा, ठीक है। अभी आते हैं हम प्रोनाउन की तरफ से। प्रोनाउन मैं आई वी यू दे ही शी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कोई और चीज पढ़ाऊंगा। अभी हम आते हैं प्रोनाउन की तरफ। अभी नाउन क्लियर हो गया, नाउन में कोई भी एरर आएगी तो आप मालूम कर लेंगे, और आर्टिकल भी क्लियर हो गया कि अ एंड द आर्टिकल है, नाउन कौन से हैं वो भी मैंने समझा दिए। अभी आते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन, अभी प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ये है कि कोई भी वर्ड किसी भी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो। कौन से वर्ड होते हैं प्रोनाउन? प्रोनाउन बिल्कुल ईजी है, कुछ वर्ड हैं 50-60 वर्ड हैं, ईजी हैं, बिल्कुल ईजी हैं, सिंपल है। देखें प्रोनाउन ये हुआ कि आई वी यू दे ही शी इट। अभी बच्चों को सिर्फ यही याद होते हैं कि प्रोनाउन के ये काइंड्स हैं, लेकिन ये नहीं होते, टेस्ट में ये नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी क्लास का जो बच्चा होता है वो डेफिनेशन याद करता है, तो उसको भी प्रोनाउन की डेफिनेशन लिखे नीचे, एग्जाम्पल लिखते हैं आई वी यू दे ही शी इट। क्या ग्रेजुएशन वाले जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको ये जुमले देंगे? नेवर। वो ऐसे सेंटेंस देंगे कि कौन सी डेप्थ में क्या पढ़ा है उन्होंने। अभी प्रोनाउन के दूसरे प्रोनाउन मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन सारे ही प्रोनाउन हम पढ़ते हैं। उसके बाद होता है हिम, हर्स, देयर्स, देम, अवर्स, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें और प्रोनाउन है माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। अभी इस तरह ये भी प्रोनाउन है। अभी आपके पास अगर सेंटेंस आ जाए शी हर सेल्फ डिड हर वर्क, शी हर सेल्फ डिड हर वर्क, अभी हर सेल्फ अंडरलाइन किया हुआ कि ये क्या है, बच्चा कहेगा अगर शी पे होता तो मैं तो बता देता, वो तो प्रोनाउन है, अभी हर सेल्फ पता नहीं क्या है। तो हर सेल्फ भी प्रोनाउन ही होता है, ठीक है। इससे इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। काइंड जहन में रखना जरूरी नहीं होता, किसी भी टेस्ट में ये नहीं आता कि ये प्रोनाउन तो है लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, ये नहीं होता। सिर्फ ये मालूम किया जाता है कि प्रोनाउन है या वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, बस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कौन सा प्रोनाउन का किस्म होता है? दिस, दैट, दीज और दोस, ये प्रोनाउन के किस्म होते हैं। अभी दिस, दैट, दीज, दोस, ये जो हैं इनको डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये प्रोनाउन होते हैं, ये एडजेक्टिव भी बनते हैं, ये एक इजी वे है। एडजेक्टिव कैसे बनते हैं और प्रोनाउन कब होते हैं ये मैं एडजेक्टिव में बताऊंगा, जब एडजेक्टिव पढ़ाता हूं आगे चल के, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि प्रोनाउन कब बनते हैं और एडजेक्टिव कब बनते हैं। जैसे दिस इज अ कार, अब ये दिस क्या है? प्रोनाउन, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोस, ये भी प्रोनाउन बने। उसके बाद देखें आइदर, ईच, नीदर, ये भी प्रोनाउन होते हैं। अभी मैं वर्ड सारे लिख रहा हूँ इसीलिए कि किसी भी टेस्ट में अगर कोई भी वर्ड आ जाता है, खास तौर पे ये वर्ड नहीं आएंगे आई वी यू दे, जो नीचे मैं लिख रहा हूँ आइदर, ईच और दिस, दैट, दीज, दोज है, या हिमसेल्फ है या हर सेल्फ है, इस तरह के वर्ड जो हैं अंडरलाइन किए होंगे और नीचे ऑप्शन होंगे, तो आप इजीली उनको आप मालूम कर सकते हैं कि भाई ये प्रोनाउन है। सर शुजात का लेक्चर था, उसमें सारे प्रोनाउन लिखे हुए थे, हम जाके वो वीडियो देखते हैं तो प्रोनाउन क्लियर हो, सारे पास ऑफिस भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद होते हैं प्रोनाउन हु, विच, हुज, वाट, ये प्रोनाउन होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं वाट एवर, हु एवर, हुसो एवर, ये प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद देखें वन, ये प्रोनाउन होता है, वन, वन प्रोनाउन होता है, ठीक है। उसके बाद सम प्रोनाउन होता है। उसके बाद होता है नो वन, नो वन जो होता है ये भी प्रोनाउन होता है। सम वन, सम वन भी प्रोनाउन होता है, ठीक है। उसके बाद होता है नन, नन ये भी प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन के किस्म है। और उसके बाद लास्ट जो किस्म है प्रोनाउन का वो है ईच अदर और वन एंड अदर, ईच अदर और वन एंड अदर। अभी ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है,
आप देखें इनको अच्छे तरीके से आप समझ लें, वन प्रोनाउन, सम प्रोनाउन, नो वन, नन, आइदर, ईच अदर, हुज, व्हाट, विच, हु, हूएवर, ये सारे क्या होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अभी आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इट बिकॉज आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग इट इन अ फ्लुएंट वे एंड इन एज अ क्लियर। अभी हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक क्वालिटी का नाम होता है। क्वालिटी कैसे, जैसे हैप्पी, ब्रेव, ऑनेस्ट, ईमानदार, लार्ज, बड़ा, किसी भी चीज़ की अच्छी क्वालिटी या बुरी क्वालिटी, इन दोनों को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे अच्छा, गुड, एडजेक्टिव है, बेड, बुरा, ये भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है, कोई भी हो, जैसे छोटा, बड़ा, छोटा, बड़ा, ये भी सारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। जैसे लॉन्ग, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारे क्या होते हैं, ये क्वालिटीज बता रहे हैं। अभी यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन, जहाँ पे कन्फ्यूजन होती है मैं वो क्लियर करता जाऊँगा। सर ने पहले 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 बताया था कि हैप्पीनेस नाउन है और यहाँ पे सर ने हैप्पी लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हैप्पी, वहाँ पे हैप्पीनेस हो रहा है नाउन, यहाँ पे हैप्पी खुश हो रहा है। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, नाउन उसे कहा जाता है जो किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी के नाम को कहा जाता है नाउन। कैसे देखेंगे हम, ब्रेव, बहादुर, बहादुर क्यों बोलते हैं उसको, इसीलिए क्योंकि उसमें बहादुरी होती है। जो एडजेक्टिव में क्वालिटी होती है उसे नाउन कहा जाता है, ब्रेव में बहादुरी होती है, बहादुरी को नाउन कहा जाता है। उसके बाद होता है इंटेलिजेंट, किसी को इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है, कौन सी क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी होती है उसे कहा जाता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। उसके बाद देखिए ब्रेव क्यों बोलते हैं, उसमें ब्रेवरी, ऑनेस्ट एक बंदे को क्यों बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि उसमें ऑनेस्टी होती है, ऑनेस्टी नाउन। जो एडजेक्टिव जो भी हैं उनमें जो क्वालिटी होती है उन क्वालिटी के नाम को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। जिस तरह इनके कुछ मैं बता देता हूँ, हैप्पी का हैप्पीनेस, हैप्पी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हैप्पीनेस। चले एक आसान तरीका, अगर नाउन होता है तो उसको कोई किसी बंदे को नाम नहीं दे सकते। जैसे एडजेक्टिव हमेशा किसी बंदे या चीज़ को हम नाम दे सकते हैं, बुला सकते हैं। क्या ब्रेव हम कह सकते हैं, ही इज़ ब्रेव कह सकते हैं ना, शी इज़ ब्रेव, अली इज़ ब्रेव हम कह सकते हैं। लेकिन आप आ जाए नाउन, कभी भी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बताया वो कभी भी किसी बंदे को नहीं दिया जाता। क्या आप किसी को बोलेंगे कि ही इज़ हैप्पीनेस, वो खुशी है, नहीं। अगर आप किसी बंदे को वो नाम नहीं दे सकते तो इसका मतलब है वो नाउन है, अगर वो बंदे को नाम दे सकते हैं तो इसका मतलब है वो एडजेक्टिव है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं जुमला कहता हूँ ऑनेस्ट, आप बस ये देखें कि एक बंदे को दे सकता हूँ, क्या किसी को ऑनेस्ट कह सकता हूँ मैं कि ही इज ऑनेस्ट, हाँ कह सकते हैं, तो ये मतलब एडजेक्टिव है। अगर मैं कहता हूँ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, आप किसी बंदे को बुला सकते हो कि यू आर ऑनेस्टी, आप ईमानदारी हो, नहीं बुला सकते, इसका मतलब ये नाउन है। बंदे को दे दे नाम तो वो एडजेक्टिव, अगर बंदे को वो नाम नहीं दे सकते तो इसका मतलब है नाउन। जिस तरह सिंसियर होता है, सिंसियर का मतलब होता है सच्चा, किसी बंदे को बुला सकते हो आप, सच्चे हो आप, यू आर सिंसियर, सही है, बुला सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं सिंसियरिटी, सच्चाई, यू आर सिंसियरिटी, तुम सच्चाई हो, बोल सकते हैं नहीं ना, तो इसका मतलब ये नाउन है। जो नाम किसी बंदे को नहीं दे सके तो उसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, वो फीलिंग के नाम होते हैं। उसके बाद होता है किसी, ये क्वालिटी बता रहे हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी कैसे होता है, जैसे सम कुछ, जैसे ही ब्रॉट सम शुगर, सम प्लीज़ गिव मी सम शुगर, मेहरबानी करके मुझे कुछ शुगर दे दें, शुगर का मतलब होता है चीनी, ठीक है, मेहरबानी करके थोड़ी सी मुझे चीनी दे दें, तो सम शुगर, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल चीज़ है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल की क्या होती है, क्वांटिटी होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं प्लीज़ गिव मी सम वाटर, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा पानी दे दें, या हम कहते हैं सम लिटिल एनी, ये क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं। अभी इनमें सम जो था मैंने प्रोनाउन में भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, दोनों में डिफरेंस भी बताता हूँ आपको अभी, है ठीक है। उसके बाद होता है नंबर, नंबर में सम भी आता है, सेवरल भी आता है, उसके अलावा जो होता है वन भी आता है, टू, फर्स्ट, सेकेंड,
ये जो होते हैं ये सारे नंबर होते हैं। नंबर के दो किस्म होते हैं, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल। 1, 2, 3 ये ऑर्डिनल कॉर्डिनल होते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होते हैं ये ऑर्डिनल होते हैं। उसके बाद आइदर, ईच, एवरी, नीदर, ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। अभी देखें, और दिस, दैट, दीज, दोज, ये एडजेक्टिव होते हैं। इसके अलावा देखें, हुज, व्हाट, विच, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये सारे जो होते हैं, किसी भी क्वालिटी का नाम, किसी भी क्वांटिटी का नाम, कोई भी नंबर, 5, 6, 7, 8, ये क्या हैं सारे, ये एडजेक्टिव्स होते हैं। या फिफ्थ, सिक्स्थ जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, सेंटेंस लिखा, ही टुक फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट अंडरलाइन वर्ड है, तो आप आपसे पूछा जाए कि ये फर्स्ट क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट जो है ये एडजेक्टिव होता है। चले, अगर आपको पता नहीं चलता, आप देखें, नाउन है, नाउन कहा जाता है किसी नाम को, किसी बंदे का नाम, फर्स्ट किसी बंदे का नाम है, नहीं, चीज़ का नाम है, नहीं, किसी जगह का नाम है, नहीं, किसी क्वालिटी का नाम है, फर्स्ट पहला किसी क्वालिटी का नाम है, कोई हम फील कर सकते हैं इसको, नहीं, तो इसका मतलब है ये नाउन नहीं है। आपको इस तरीके से क्लियर करना है। आपको अगर वो किस्म पता नहीं है कि ये क्या है, तो आप दूसरे देख लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दो ऑप्शन दूँ कि फर्स्ट जो है एडजेक्टिव है या नाउन है, तो आपको पता चल जाएगा कि नाउन तो है ही नहीं, किसी बंदे का नाम है ही नहीं, किसी चीज़ का नाम है ही नहीं, जगह का नाम नहीं, तो आप पहचान लोगे। इसी तरह सारे पार्ट ऑफ स्पीच आप जब समझेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे। इंशाल्लाह, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन एन एक्सीलेंट वे टुडे। हुज, व्हाट, विच, ये भी क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद होता है वर्ब। वर्ब तो एक ईजी टॉपिक है। देखें, वर्ब जो होता है, वर्ब तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल सिंपल है। पहले भी वीडियो अपलोड की हुई है, टू बी सेंटेंसेस में हमने, टू बी सेंटेंस में हम वो, उनकी डिस्क्रिप्शन भी हम नीचे देंगे कि टू बी सेंटेंसेस में वो भी वर्ब्स होते हैं। देखें, वर्ब की दो किस्म होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं, उसके बाद इज एम आर, ये वर्ब हैं, वाज वर्ब होते हैं, ठीक है, विल बी वर्ब होता है, इसके अलावा जो होता है कैन, कुड, शुड, ये वर्ब होते हैं, ठीक है, वुड, विल, शल, ये सारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है, हैव, हैज, हैड, उसके बाद विल हैव, ये तो इजीएस्ट वर्ब है, ये तो हर किसी को सुने हुए, ये सारे वर्ब होते हैं। कभी कभार ऐसे होता है सेंटेंस में हम पूछते हैं किसी बच्चे से कि मुझे बताओ कि आई हैव प्लेड क्रिकेट, इसमें वर्ब क्या है, तो बच्चा क्या कहता है, प्लेड वर्ब है लेकिन है वर्ब नहीं है, हर जुमले में एक ही वर्ब आता है, ऐसा नहीं होता, एक जुमले में दो वर्ब आते हैं। जिस तरह आप क्या बताएंगे, सर प्लेड जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन हैव जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब तो है ना, आपसे ये तो नहीं पूछा कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपको कहा गया है कि इन इन सेंटेंसेस में से आप वर्ब तलाश करें, तो आप हैव को भी अंडरलाइन करोगे और प्लेड को भी अंडरलाइन करोगे, क्योंकि दोनों वर्ब होते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी जो वर्ब हैं वो तो ईजी हैं, ईट, गो, प्ले, टॉक, वॉक। अगर उस वर्ड की आपको पता नहीं है कि किसी भी वर्ड की मीनिंग आप निकालते हैं, उसके लास्ट में ना आता है, तो इसका मतलब है वो वर्ब होता है। पढ़ना, घूमना, लिखना, सोना, समझना, आना जाना, लड़ना, ठीक है, आँख मारना, ठीक है, ये सारे वर्ब ही होते हैं, ठीक है। ये तो आँख मारना तो बहुत पसंद आया होगा आपको, ऐसा वर्ड मैंने कहा है आपको, दिल ही खुश कर लिया होगा आपका। अभी हम पढ़ते हैं क्या, एडवर्ब। वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब। अभी एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब, अब बच्चे क्या कहते हैं, एडवर्ब, जो वर्ब के साथ एड हो उसे एडवर्ब कहा। बच्चे ने क्या किया, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं, तो बच्चे ने देखा वर्ब के साथ क्या एड है, अ मैंगो, तो ये पक्का एडवर्ब होगा। अरे ऐसा नहीं होता जो वर्ब को ऐड करे, ऐसा अगर होता तो फिर यहाँ पे हो जाता ना, वर्ब के साथ ऐड हुआ है ना, ईट अमेंगो, अमेंगो आ गया वर्ब के साथ, जो वर्ब के साथ आता है, बच्चा क्या कहता है, जो वर्ब के साथ आया ना वो सारे क्या होता है, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, क्योंकि ऐड का मतलब होता है साथ होना, और वर्ब का होता है वर्ब, ऐसा नहीं है। अभी आ जाए, अच्छे तरीके सीखते हैं। एडवर्ब जो होता है, एक तो वर्ब की मीनिंग को बताता है, वर्ब के बारे में बताता है, फाइल के बारे में बताता है, क्या बताता है, देखें
कि काम कैसे होता है। इस जुमले में आई ईट अमेंगो, मैं आम खाता हूँ, इसमें मैंने ये बताया है काम कैसे होता है। मैंने तो ये बताया है कि मैं क्या खाता हूँ। जब ये बताया जाए कि काम कैसे होता है, जैसे ही ईट्स अ मैंगो, हंग्रीली, मतलब जैसे भूखों की तरह, अभी क्या कहा, वो भूखों की तरह आम खाता है। अभी क्या इस जुमले में मैंने तरीका बताया है कोई काम किस तरीके से होता है, कैसे होता है, ऐसा कोई वर्ड जो ये बताए कि काम किस तरीके से हुआ है या होता है, तो उसे कहा जाता है एडवर्ब। अभी इस जुमले में क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन, ये तो आपको पढ़ाया, ईट्स मैंने पढ़ाया, वर्ब आपको पता चल गया, आ क्या है ये भी मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल होता है क्योंकि ये होते ही तीन है। उसके बाद मैंगो, आम, क्या किसी आम किसी चीज़ का नाम है, हाँ जो खाते हैं वो चीज़ का नाम होता है, इसीलिए ये क्या बन गया, ये नाउन बन गया। ये देखिए इतना सेंटेंस, हाफ सेंटेंस आपका क्लियर हो गया है, आप समझ गए हैं कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। अभी ये हंग्रीली, भूखों की तरह तरीका बता रहा है, इसीलिए क्या बना, एडवर्ब। ये किसके बारे में, हंग्रीली किसके बारे में लिखा हुआ है, वर्ड ईट के बारे में लिखा हुआ है, खाने के बारे में, खाता तो है किस तरीके से खाता है, हंग्रीली, भूखों की तरह, तो ये क्या बना, एडवर्ब बना। इसी तरह ये देखें, ही रन्स, वो भागता है, भागता है किस तरीके से भागता है, अगर लिखा हुआ है फास्ट, ही रन्स फास्ट, तरीका बता रहा है भागने का। कोई भी वर्ड, ऐसा कोई वर्ड इस तरफ हो जो इस वर्ब के बारे में बताए कि ये काम किस तरीके से होता है, तो वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। रन्स फास्ट, फास्ट क्या है, एडवर्ब। जैसे हम कहते हैं वो आहिस्ता चलता है, ही वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता चलता है, स्लोली क्या है, एडवर्ब है। चले एक जुमला ये मैं कहता हूं, ही वॉक्स अलोंग द रोड, वो रोड के साथ चलता है, रोड क्या है, क्या इस जुमले में वो रोड के साथ चलता है, इस जुमले में मैं ये बताया कि वो कैसे चलता है, नहीं ना, इसमें ये नहीं बताया, तो इसका मतलब है रोड कभी भी एडवर्ब नहीं बन सकता, क्योंकि जिस जुमले में हम ये बताते हैं कि कोई काम किस तरीके से होता है वो एडवर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब का ये एक किस्म है, दूसरा एडवर्ब का किस्म ये होता है कि कोई भी काम कहाँ पे होता है, कैसे होता है और कहाँ पे, जगह बताई जाए कि कौन सा काम कहाँ पे होता है, किस तरह, जिस तरह वर्ड होता है हेयर, ही कम्स हेयर, वो यहाँ आता है, अभी क्या लिखा, हेयर। चलें, आपको ऑप्शन मिला नाउन वर्ब, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपको मिला है एडवर्ब और प्रोनाउन। आपने देखा, अगर आपको नहीं आता, हेयर का कुछ पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नहीं आता, क्या करेंगे, ईजीएस्ट वे मैं कहता हूँ आपको आता है कैसे, पहले आप देखो नाउन है हेयर, किसी बंदे का नाम है हेयर, यहाँ किसी को बोलते हैं हेयर, किसी भी बंदे का नाम नहीं है तो इसका मतलब है ये, या किसी चीज़ का नाम है हेयर, किसी की चीज़ को बोलते हैं कि ये हेयर है, नहीं ना, तो इसका मतलब है ये नाउन नहीं है, पता चल गया, ये तो आपको पता है कि नाउन नहीं है। आ जाए वर्ब पे, क्या ये किसी काम का नाम है हेयर, मैंने क्या बताया, जो वर्ब वो होता है जिसके लास्ट में ना आता है, पढ़ना, घूमना, लिखना, लड़ना, क्या हेयर वर्ब है, मतलब है ये दोनों नहीं है। चलें, आपको ये पता नहीं है कि एडवर्ब क्या है, छोड़ दें, प्रोनाउन है, सर ने सारे प्रोनाउन बताए थे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, आइधर, नाइधर, ईच, एवरी, सारे मैंने बता दिए, क्या उनमें से ये हेयर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये तीन नहीं है, तो चौथा तो है ना, भले वो आपको पहचानना नहीं आए लेकिन तीनों वो तो आते हैं ना, उनके बारे में तो आपको सारी चीज़ पता है, तो आप चौथा इजीली पहचान सकते हैं। तो दिस इज एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर का मतलब होता है यहाँ, तो इस मतलब है किसी भी जगह के बदले में कोई वर्ड आए तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। दूसरा कौन सा वर्ड होता है, देयर, वहाँ, ये वर्ड, ये सेंटेंस सिंह यूनिवर्सिटी की टेस्ट में भी आए हैं, इसके अलावा जो है JEST की टेस्ट जो ये उसमें भी आए हैं, इस तरह हेयर और देयर, ये दोनों वर्ड क्या हैं, ये एडवर्ब होते हैं। इसके अलावा देखें और भी वर्ड कम कर सकते हैं, गो अप, ऊपर जाओ, गो अप, ये क्या बना, एडवर्ब, अप जाओ, गो जाओ, अप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब कोई ना कोई जगह है, जैसे कोई बंदा ऊपर खड़ा हुआ है तो मैं कहूँगा कम डाउन, डाउन नीचे आओ, तो इसका मतलब है नीचे कोई जगह है, तो अप और डाउन क्या बनेंगे, ये भी एडवर्ब हैं।
अभी ये यहाँ पे मैं दोबारा मैं बता रहा हूँ, हंग्रीली एडवर्ब बना, स्लोली एडवर्ब बना, फास्ट एडवर्ब बना, हेयर एडवर्ब बना, देयर एडवर्ब बना, जो अप है वो एडवर्ब बना और डाउन जो है एडवर्ब बना। अब ये हमने बताया, ठीक है, कोई भी काम, ये हेयर क्या बता रहा है, कोई काम कैसे होता है पहले बताया हमने, फिर होता है कोई काम कहाँ होता है, आई प्लेड, मैंने कहा कहाँ पे, देयर, देयर एडवर्ब, ये मैं बता रहा हूँ कि काम कहाँ पे हुआ, पहले बताया, ठीक है। आई प्लेड ब्यूटीफुली, मैंने खूबसूरत तरीके से खेला, ये इसमें मैंने बताया कि काम कैसे हुआ, और दूसरे सेंटेंस में मैंने बताया कि काम कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ, ये एडवर्ब बताता है। तीसरा, तीसरा ये होता है कि काम होता तो है, कितना वक्त होता है, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, कितनी बार पढ़ाता हूँ, ये कोई वर्ड बताए तो उसे एडवर्ब करता है। ये कौन से वर्ड होते हैं, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, ये क्या आया, ऑलवेज वर्ड, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये इसके बारे में बताया कि सच तो बोलता है लेकिन कितनी बार बोलता है, कोई काम होता है तो कितनी बार होता है, कोई काम कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, ये सारे क्या होता है, एडवर्ब बताता है। जैसे ऑलवेज एडवर्ब है, इसी तरह दूसरा वर्ड है ऑफन, ऑफन भी एडवर्ब है, ऑफन का मतलब है अक्सर, आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना कितनी बार मैं जाता हूँ, ऑफन क्या बना, एडवर्ब बना। आई फ्रीक्वेंटली गो देयर, मैं अक्सर वहां जाता हूँ, ये फ्रीक्वेंटली, इस तरह वर्ड है सेल्डम, आई सेल्डम गो देयर, अभी ये वर्ड जो है सेल्डम, ऐसे वर्ड आ जाते हैं क्योंकि दूसरों का सबको पता होता है, आई सेल्डम गो देयर, मैं कभी कभार वहां जाता हूँ, तो ये भी क्या बना, एडवर्ब बना। इसके अलावा कुछ और भी एडवर्ब होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई काम किस तरीके से होता है, जिस तरह एक सेंटेंस में कहता हूँ, ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है, भागता तो तेज है लेकिन कितनी हद तक, कोई काम तेज होता है या स्लो होता है या किस तरीके से होता है लेकिन वो कितनी हद तक स्लो होता है या कितनी हद तक तेज होता है, ऐसे वर्ड को एडवर्ब कहा जाता है। जिस तरह हम कहते हैं ही रन्स वेरी फास्ट, ये वेरी का वर्ड जो होता है ये अक्सर टेस्ट में आता है, ये वेरी का वर्ड, तो ये क्या है, ये वेरी क्या होता है, ये एडवर्ब होता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक और किस्म है इसका, इंटरोगेटिव एडवर्ब, वो क्या है, जिस तरह हम कहते हैं वेयर और वेन। अभी बच्चे क्या देखते हैं, डब्ल्यू एच को देखते हैं तो वो समझते हैं प्रोनाउन है, देखें वाट प्रोनाउन बना था, विच प्रोनाउन बने था, हु प्रोनाउन बना था, हुज प्रोनाउन बना था, लेकिन ये भी डब्ल्यू एच से शुरू हो रहे हैं लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, वेन, वेन का मतलब होता है कब, ठीक है, उसके बाद वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो ये जगह बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, एडवर्ब एक टाइम भी बताता है, तो इसीलिए ये दोनों क्या हैं, ये एडवर्ब होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो टाइम बताते हैं कि कोई काम होगा तो सही, कब होगा, जिस तरह वर्ड होता है नाउ, ही विल कम नाउ, वो अभी अभी, वो अभी आएगा, बता रहा है काम के बारे में कि काम कब होगा, कोई ऐसा वर्ड जो ये बताए कि काम कब होगा तो उसे भी एडवर्ब कहा जाता है, जैसे ही विल कम सून, वो जल्दी आएगा, सून क्या है, एडवर्ब है, और नाउ भी क्या है, एडवर्ब है, आई विल टेल यू आफ्टर, मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो आफ्टर यहाँ पे क्या बना, ये भी एडवर्ब बना, या ही हैज टोल्ड मी बिफोर, उसने मुझे पहले बताया है, बिफोर पहले मतलब किसी टाइम के पहले, तो बिफोर भी क्या बना हमारे पास, एडवर्ब, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। इसके अलावा एक लास्ट किस्म, लास्ट, जैसे नॉट, ये नॉट एडवर्ब है, अक्सर कंफ्यूजन तकरीबन बच्चों के साथ, बच्चों के यही क्वेश्चन किया जाता है कि नॉट क्या है, बच्चा परेशान कि नॉट, आई एम नॉट कमिंग, नॉट क्या है, नॉट ये एडवर्ब होता है क्योंकि ये कमिंग के बारे में लिखा होता है, किसी वर्ब के बारे में बता रहा है, इसीलिए ये भी एडवर्ब होता है। उसके बाद होता है डियर फॉर, इसीलिए एडवर्ब ऑफ रीजन, या हेंस, हेंस का मतलब क्या होता है, इसीलिए, या डियर फॉर, इसीलिए, ये भी सारे क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। अभी एडवर्ब को एक बार मैं और पढ़ रहा हूँ, एक बार, एक मिनट के अंदर सारे पढ़ूंगा ताकि आपके जहन में रह जाएं, ठीक है। हंग्रीली, फास्ट, वेरी, हेयर, देयर, वेन,
वेयर देयर फोर हेंस सेल्डम फ्रीक्वेंटली ऑलवेज सून नाउ अप डाउन आफ्टर बिफोर, ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। बाकी होती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज वेरी सिंपल। अभी हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कौन से वर्ड होते हैं? इजी, इन, इन, ऑन, टू, फॉर, फ्रॉम, बाय, बीनीथ, बीनीथ, अंडर, अंडरनीथ, अंडरनीथ, अपॉन, ओवर, आफ्टर, बिफोर, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। ये एक किस्म है। उसके बाद दूसरी प्रेपोजिशन है ऑन टू, अप टू, ठीक है, बिहाइंड, उसके बाद होता है अबव, ये सारी प्रेपोजिशंस होती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और किस्म है प्रेपोजिशन का, जिसे कहा जाता है फ्रेजल प्रेपोजिशन। जो तीन चार वर्ड मिलके एक प्रेपोजिशन का काम करते हैं तो उन्हें फ्रेजल प्रेपोजिशन कहा जाता है। इनका एक और लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरह होता है इन फ्रंट ऑफ, के सामने। अब ये वर्ड अंडरलाइन हो के ये क्या है आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? इट्स अ प्रेपोजिशन। इस तरह कहा जाता है ड्यू टू, आपने पढ़ा होगा ड्यू टू, ड्यू टू रेन आई कुड नॉट गो टू स्कूल, बारिश की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सका। अभी ये ड्यू टू क्या है? इट्स फ्रेजल प्रेपोजिशन, इट्स अ प्रेपोजिशन, ठीक है। जिस तरह होता है ओविंग टू, की वजह से, ये भी क्या होता है? ये भी प्रेपोजिशन है। इस तरह होता है इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू ऑफ मतलब के बदले में, ये भी क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, इन ल्यू ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, बिहाइंड, ये सारे प्रेपोजिशन है। इस तरीके से इस तरह के और भी वर्ड्स बहुत सारे हैं। अभी प्रेपोजिशन का जो लास्ट वर्ड है वो ये है कि बाय डिंट ऑफ के जोर पर, जैसे बाय डिंट ऑफ मनी ही कर गवर्नमेंट जॉब, पैसे के जोर पे उसने जॉब ली, जॉब हासिल की, तो बाय डिंट ऑफ क्या है? ये भी प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन कौन से वर्ड हो गए? ये हमने पढ़ा दिया, इन, ऑन, टू, फॉर, अप, फ्रॉम, बाय, अपॉन, ओवर, अंडरनीथ, अपॉन, ओवर, आफ्टर, बिफोर, ऑन टू, अप टू, बिहाइंड, अबव, इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, इन लू ऑफ, बाय डिंट ऑफ, ये सारे क्या होते हैं? ये प्रेपोजिशंस होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कंजक्शंस। अभी होता है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन एक ऐसा वर्ड जो दो लफ्ज़ों को मिलाए या दो जमलों को मिलाए तो उसे कंजक्शन कहा जाता है। अभी कंजक्शन कौन से वर्ड होते हैं? जैसे एंड, बट, उसके बाद होता है और, ये कंजक्शंस होते हैं। उसके बाद होता है अनलेस, इफ, वाइल। अभी बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? अभी वो जुमला लिख रहा हूँ, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेड, अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। सेंटेंस में अंडरलाइन किया हुआ है कि इफ़ क्या है। बच्चा कंफ्यूज कि इफ़ सर ने बताया था कि दो जुमलों को, दो लफ्ज़ों को मिलाता है वो होता है, वो होता है कंजक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये शुरू में आया है, कंजक्शन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो जुमलों को, दो जुमलों को मिला रहा है? कोई भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये वर्ड जो है, अगर हम इस तरह सेंटेंस कहेंगे कि देखें ये जो इफ़ जो है दो जुमलों को मिला रहा है, वो कैसे मिला रहा है, आप इसको मिटा दें, क्या जुमला सही है? देखें, यू वर्क आर यू विल सक्सीड, ये तो सेंटेंस का सेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब है इन दोनों जुमलों की सेटिंग करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? इफ लगा रहे हैं। वैसे सेंटेंस इस तरीके से भी बन सकता है, दूसरे तरीके से बन सकता है। कैसे? यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। अब यहां पे क्या होगा? इफ क्या है? कंजक्शन। यहां पे भी इफ क्या है? कंजक्शन है। इसीलिए ये दो जुमलों की सेटिंग कर रहा है, इन दो जुमलों की को मिला रहा है, इसीलिए इफ भी जो है ये क्या है? कंजक्शन है। अनलेस कंजक्शन है। वाइल, वाइल प्लेइंग क्रिकेट ही वॉज लाफिंग, क्रिकेट खेलते हुए वो हंस रहा था, तो वाइल भी क्या बना? ये भी
कंजक्शन बना। ठीक, देखें वाइल के बाद जो वर्ड आता है वो आता है येट। येट क्या है? ये भी कंजक्शन है। जैसे ये इतना कम येट, वो अभी तक नहीं आया है, इस तरह येट जो है ये कंजक्शन है। सिंस मीन्स आई हैव बिन इल सिंस आई हैव सीन हिम। मैं बीमार हूँ जब से मैंने उसे देखा है। सिंस आई हैव सीन हिम एंड आई एम इल, ये दोनों जुमलों को जो मिला रहा है वो कौन सा वर्ड है? सिंस। इसे सिंस को क्या कहा जाता है? कंजक्शन। उसके बाद होता है नॉट ओनली, ना सिर्फ। उसके बाद बिकॉज, इसीलिए। आई हेल्प यू बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। आई हेल्प यू बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट। अभी आई हेल्प यू एक जुमला, यू आर माई स्टूडेंट, ये दो जुमले। इन दोनों जुमलों को मिला कौन सा वर्ड रहा है? बिकॉज। तो बिकॉज क्या है? कंजक्शन है। लेस्ट, लेस्ट का मतलब है जैसे वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल। ये आहिस्ता चलो, ऐसे नहीं के, लेस्ट का मतलब होता है ऐसे नहीं के गिर जाओ। ठीक है, स्पीक स्लोली लेस्ट यू कुड फ्लंडर। आहिस्ता बोलो, ऐसे नहीं कि हिचकिचाओ। उसके बाद होता है एज, जैसे आई टीच एज यू टीच, मैं पढ़ाता हूँ जैसे आप पढ़ाते हैं। दोनों जुमलों को, आई टीच और यू टीच के जुमलों को, दोनों को कौन सा वर्ड मिला रहा है? एज। एज क्या बना? कंजक्शन बना। इस तरह होता है दो और ये दोनों साथ आते हैं। मैं आगे समझा रहा हूँ आपको। आइधर और, दो वर्ड होते हैं एक साथ आते हैं। मैंने आइधर का बताया था कि वो कंजक्शन, वो एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया ये कंजक्शन है। वहाँ पे मैंने बताया था कि वो प्रोनाउन है और यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये क्या है? कंजक्शन है। अभी इसको कंजक्शन तब बोलते हैं जब किसी आइधर के सामने और आ जाए। आप देखें आइधर लिखा हुआ है और आगे और लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये कंजक्शन है, क्योंकि इन्हें कहा जाता है कोरिलेटिव कंजक्शन। दो कंजक्शन साथ आने वाली, आइधर और, जब आइधर के साथ और लग जाए तो इसका मतलब है ये दोनों क्या बन जाते हैं? कंजक्शन बन जाते हैं। जिस तरह नाइधर नॉर, नाइधर के साथ जब नॉर आ जाए तो ये समझ लें कि नाइधर क्या बनेगा? प्रोनाउन या एडजेक्टिव नहीं बनेगा, बल्कि ये क्या है? कंजक्शन बनेगा, क्योंकि दो वर्ड जब एक साथ आते हैं तो वो हमेशा कंजक्शंस होते हैं। इस तरह देखिए बोथ एंड, ये दोनों वर्ड एक साथ आते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना सिर्फ मगर, ये भी दोनों वर्ड एक साथ आते हैं, ये भी कंजक्शंस होते हैं। सच एज, उसके बाद ये भी कंजक्शंस होते हैं। स्कैर्सली व्हेन, बमुश्किल जब, ये भी दोनों वर्ड एक साथ आते हैं, स्कैर्सली व्हेन। उसके बाद वेदर और, बोथ एंड। इस तरीके से और भी एक एमसीक्यू जाता है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस तरह वर्ड होता है स्कैर्सली, स्कैर्सली के सामने आगे डैश होता है, डैश में लिखा होता है देन आएगा, वेन आएगा, या कौन सा वर्ड आएगा। तो आपको जेन में होना चाहिए कि स्कैर्सली के साथ हमेशा वेन आता है, आइधर के सामने हमेशा और आता है, और दो के सामने हमेशा येट आता है, दो येट, नाइधर के सामने हमेशा नॉर आता है, और वेदर के सामने हमेशा और आता है। तो ये वर्डों की जो होती है कॉम्बिनेशन होता है, और कॉम्बिनेशन हमेशा साथ होता है। ठीक है, तो ये थे कंजक्शंस। अभी हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। अभी ये इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में हम किसी खुशी या गम का इजहार करते हैं, ठीक है, या उदासी का इजहार करते हैं, या हैरानगी का इजहार करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शन कहा जाता है। ये से कौन से वर्ड होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड है ब्राव, उसके बाद है ब्राव, जब हम कोई चीज़ अप्रूव हो जाती है तो हम कहते हैं ब्राव। जैसे सर, हम फॉर एग्जांपल सर हमें परमिशन देते हैं, पहले परमिशन नहीं दे रहे थे लेकिन अभी परमिशन दिए कि ठीक है आज आपको गेम पीरियड देता हूँ, आप खुश हो जाएं। तो बच्चे सारे क्या कहेंगे? ब्रो, सर हैज गिवन अस परमिशन टू प्ले क्रिकेट टुडे। तो ऐसी जब आप कोई चीज़ अप्रूव हो जाती है तो हम ये वर्ड कहते हैं ब्राओ। इस तरह वाओ, वाओ, जब हम सरप्राइज कहते हैं वाओ हाउ डू यू डू इट। उसके बाद होता है व्हाट, सरप्राइज, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, सरप्राइज होने पे वहाँ पे ये वर्ड कहते हैं व्हाट। उसके बाद हाउ, हाउ ब्यूटीफुल शी लुक्स, क्या खूबसूरत वो दिखती है। तो ये क्या है? हाउ क्या है? ये एडवर्ब है। उस हाउ क्या है? ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद होता है हुर्रा, हुर्रा का क्या बताता है? ये खुशी का इजहार बताता है। जैसे हमारी टीम जीतती है मैच तो वो कहती है हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो ये खुशी का इजहार होता है। इन वर्ड्स की कोई मीनिंग नहीं होती, ये सिर्फ इजहार होते हैं, ठीक है। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ओह को जीत लगेगी, अरे अभी, अरे ये क्या हुआ, इसकी कोई मीनिंग है? नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। तो ये वर्ड सिर्फ क्या बताते हैं? खुशी का इजहार, गमी का इजहार, और उदासी का इजहार, या कभी हम हैरान हो जाते हैं तो उसका हम इजहार करते हैं।
तो ये वर्ड्स कहते हैं। तो इन वर्ड्स को, ऐसे वर्ड्स जो आपकी फीलिंग्स को शो करें, तो उन वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहा जाता है। अभी ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक। अभी इससे क्लियर अच्छा नहीं हुआ होगा, तो अभी इसकी सारी की हमें प्रैक्टिस करनी है। एक प्रैक्टिस की हमें 25 एमसीक्यूज इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें 25 एमसीक्यूज बनाऊंगा, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक प्रैक्टिस टेस्ट होगी, जो हम मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा। एक ये वीडियो और दूसरी वो वीडियो, कभी भी कहीं पे भी कोई भी टेस्ट आ जाए तो आप ये सिर्फ ये दो वीडियो अच्छे तरीके से देख के जाएं, इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच से कोई भी एरर नहीं होगी। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। फॉर वॉचिंग मोर लेक्चर्स, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।